आपने अक्सर देखा होगा कि पूजा पाठ के दौरान पति पत्नी साथ में बैठकर पूजा करते हैं, ऐसा क्यों? धार्मिक मान्यता है कि पति या फिर पत्नी अकेले पूजा करते हैं तो पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। अगर किसी तीर्थ यात्रा में भी अकेले यात्रा पर जाते हैं तो इसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में पति पत्नी के रिश्ते को बेहद अहम बताया गया है। चाहे समाज कैसा भी हो, लोग कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, लेकिन पति पत्नी के संबंधों का स्वरूप वही रहता है, प्यार और आपसी समझ से बना है। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है और इन्हीं संस्कारों में एक विवाह संस्कार है। शादी का मतलब सिर्फ दो लोगों का मिलन ही नहीं होता, बल्कि ये हमें जिम्मेदारी निभाना भी सिखाता है। भारतीय संस्कृति में शादी से जुड़े कई रीति रिवाज हैं। कहा जाता है कि कोई भी शादी बिना सात फेरे और सात वचनों की पूरी नहीं होती। इसके साथ ही पति पत्नी का रिश्ता भी सात जन्मों का होता है। सनातन धर्म में पत्नी को पति का अर्धांगिनी कहा गया है, यानी पत्नी पति के शरीर का आधा हिस्सा है। पत्नी के बिना पति अधूरा है और पति के बिना पत्नी। पत्नी ही पति के जीवन को पूर्ण करती है, उसे हर प्रकार की खुशी देती है जिसका वो हकदार है। पौराणिक मान्यता है कि विवाह के समय पति पत्नी एक दूसरे से सात वचन लेते हैं और इसमें एक वचन ये दिया जाता है कि पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा जैसे सभी धार्मिक कार्य एक साथ मिलकर करेंगे। मिलजुल कर धार्मिक कार्य करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है और जीवन में किसी प्रकार का तनाव नहीं रहता है। इसी कारण से धार्मिक मान्यता है कि किसी भी विवाहित स्त्री या पुरुष को शुभ कार्य अकेले नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है। अगर तीर्थ यात्रा भी अकेले की जाए तो ये पूरी नहीं होती है। आप धार्मिक ग्रंथों पर गौर करें तो ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां स्त्री को पुरुषों की शक्ति बताया गया है, चाहे राधा कृष्ण हो या सीताराम। इसी कारण देवताओं का नाम लेने से पहले शक्ति स्वरूप देवी का नाम लिया जाता है। पत्नी के बिना पति द्वारा किए गए धार्मिक काम अधूरे माने जाते हैं। यदि पति पत्नी कोई भी धार्मिक पूजा एक साथ करते हैं तो दोनों में तालमेल और प्रेम बढ़ता है। रिश्ते में आ रहे उतार चढ़ाव और कलह को कम करने में मदद मिलती है। किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। पूजा का दोगुना फल मिलता है और घर में चौतरफा तरक्की होती है। पूजा का फल शीघ्र और पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। पूजा में अकेले बैठने से मनोकामना पूर्ति की संभावना कम हो जाती है। यदि आप मनचाहा फल पाना चाहते हैं तो आप दोनों एक साथ पूजा में बैठें। पति पत्नी के साथ पूजा करते समय घी का दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। एक साथ धार्मिक स्थल की यात्रा करने से दंपत्ति का एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव भी बढ़ता है। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण कर स्त्री पुरुष की समानता का संदेश दिया है, इसलिए हर कार्य में स्त्री को सहभागिनी बनाया जाता है। इस रूप को धारण कर भगवान शिव ने दुनिया को संदेश दिया था कि स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। ईश्वर की दृष्टि में दोनों समान हैं और दोनों का समान रूप से आदर किया जाना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में पत्नी को वामांगी कहा गया है, जिसका अर्थ है बाएं अंग का अधिकारी। इसलिए पुरुष के शरीर का बायां हिस्सा स्त्री का माना जाता है। इसका कारण ये है कि भगवान शिव के बाएं अंग से एक स्त्री की उत्पत्ति हुई है, जिसका प्रतीक शिव का अर्धनारीश्वर रूप है। हस्तरेखा शास्त्र की कुछ पुस्तकों में पुरुष के दाहिने हाथ से पुरुष की स्थिति और बाएं हाथ से स्त्री की स्थिति को दिखाया गया है। वहीं शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री पुरुष की वामंगी होती है, इसलिए सोते समय और आशीर्वाद ग्रहण करते समय स्त्री को पति के बाईं ओर रहना चाहिए और साथ ही भोजन के समय भी बाईं ओर रहना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। महाभारत में भी पति पत्नी के संबंधों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। भीष्म पितामह ने कहा है कि हर पति का ये दायित्व बनता है कि वो पत्नी को हमेशा प्रसन्न रखे, क्योंकि यही वंश वृद्धि करती है। वो घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी प्रसन्न होंगी तभी घर में सुख समृद्धि आएगी। इसके अलावा भी कई धर्म ग्रंथों में पत्नी के गुणों के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण, जिसे लोक भाषा में गृहस्थों के कल्याण का पुराण भी कहा जाता है, इसमें पत्नी के कुछ गुणों के बारे में संक्षेप में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि पति पत्नी का रिश्ता बेहद पवित्र होता है और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। पत्नी के गुण और अवगुण पति के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसमें पत्नियों के कुछ ऐसे गुण बताए गए हैं जो पति को भाग्यशाली बना सकते हैं। ऐसी पत्नी जो पूरी तरह से घरेलू काम जैसे घर की सफाई करना, घर की सजावट, कपड़े बर्तनों आदि की सफाई, बच्चों को संभालना,
मेहमानों का मान सम्मान करना, कम संसाधनों में घर चलाने आदि जैसे घर की सभी जिम्मेदारियों को निभाती है। ऐसी पत्नी को सुशील पत्नी माना जाता है। ऐसी पत्नी अपने पति और अपने परिवार के लिए भाग्यशाली साबित होती है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का वास भी होता है। एक पत्नी जो अपने पति के अलावा परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान करती है, उनसे मीठी आवाज में बात करती है और एक संयमित भाषा में बुजुर्गों से बात करती है, वो अपने पति और समाज को बहुत प्रिय होती है। उसे सुलक्षणा पत्नी के रूप में देखा जाता है। एक पत्नी की तरह इस व्यवहार के सभी नियम पति पर भी लागू होते हैं। वो पत्नी जो अपने पति को सुनती है और उनका पालन भी करती है। इतना ही नहीं, इस गुण वाली पत्नी ऐसी कोई बात नहीं करती है जिससे उसके पति का मन आहत हो। पति ऐसे गुणों वाली स्त्री के लिए कुछ भी करते हैं। एक पत्नी के लिए पतिव्रता होना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने पति की आज्ञा का पालन करने वाली पत्नी को शास्त्रों में पतिव्रता पत्नी का दर्जा दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी पत्नी के लिए हर गलत बात को माना जाए। यदि पति गलत रास्ते पर है तो इस स्थिति में एक पत्नी का धर्म कहता है कि उसे सही रास्ते पर लाना चाहिए। इस गुण वाली महिला कभी भी अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष का ख्याल अपने मन में नहीं लाती है। गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि ऐसी पत्नियां पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। जिस पत्नी में इन सभी गुणों को पाया जाता है उसे महान माना जाता है और वो देवतुल्य कहलाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पति परायणा यानी पति की हर बात मानने वाली पत्नी एक गुणी पत्नी है। वो पत्नी जो अपने पति को सब कुछ मानती है, उसे देवता के समान मानती है, अपने पति के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचती है, वो एक गुणी पत्नी है। शादी के बाद एक महिला न केवल एक आदमी की पत्नी बनकर नए घर में प्रवेश करती है, बल्कि उस घर के लोगों और वहाँ के संस्कारों से उसका एक गहरा रिश्ता बन जाता है। इसलिए शादी के बाद उस घर के लोगों से संबंधित रीति रिवाजों को स्वीकार करना एक महिला की जिम्मेदारी है। इसके अलावा एक पत्नी को भी एक विशेष प्रकार के धर्म का पालन करना पड़ता है। शादी के बाद उसका पहला धर्म अपने पति और परिवार के हित के बारे में सोचना होता है। कोई ऐसा काम ना करे जो पति या परिवार को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें व इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।